पॉकेट, दिवाली आने वाली है, कितना मजा आएगा ना। पूरे साल में दिवाली का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मेरी तरह तुझे भी दिवाली बहुत पसंद है ना, क्योंकि हमारे घर में दिवाली में इतने सारे गेस्ट जो आते हैं, हमारे लिए गिफ्ट्स जो लेकर आते हैं, और साथ ही साथ में मम्मी बाहर से इतनी सारी मिठाइयाँ भी तो मंगवाती है। मैं तो दिवाली में बहुत सारे पटाखे जलाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। चल पॉकेट, घूमने चलते हैं। हाय विशाल भैया। हाय आशु, तुम्हें पता है ना हमारे पास एक पपी है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, वो छोटा है तो उसे साथ नहीं ले जा सकते। तुम उसे अपने पास रख लोगे प्लीज? हम उसे अपने पास रख लेंगे। थैंक यू आशु, थैंक यू सो मच। अरे भैया, इसमें थैंक यू की क्या बात है। तो आशु, मैं आता हूँ कल उसे छोड़ने के। आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, हम लोग उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओके आशु, बाय। ओके भैया, बाय। पॉकेट, जिस तरह से मुझसे मिलने मेरे फ्रेंड्स आएंगे ना दिवाली में, उसी तरह से तुझसे मिलने सिम्बा आ रहा है। हाँ मम्मी, वेलकम सिम्बा। पॉकेट देख, तुझसे मिलने कौन आया है। खुशी देखो पॉकेट के चेहरे पर। हेलो पॉकेट। बेटा ये कौन से ब्रीड का है, कितना प्यारा है ये। हाँ मम्मी, मम्मी ये ना रॉटवाइलर ब्रीड का है, अभी सिर्फ 60 डेज का है ये। अरे वाह, कितना क्यूट लग रहा है। हाँ मम्मी, विशाल भैया ना इसे बाहर ट्रैवल नहीं कराना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ना इसे हमारे पास छोड़ दिया, तो ये कुछ दिन तक ना हमारे पास रहेगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, पॉकेट को भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ मम्मी। मम्मी इस पॉकेट को तो देखो, अपनी न्यू फ्रेंड को मिलकर कितना खुश हो गया है ये, लगता है इन दोनों में अभी से दोस्ती हो गई है। हाँ बेटा। आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा मैं किचन में बिजी हूँ, क्या तुम डेकोरेशन कर दोगे। ठीक है मम्मी। पॉकेट, छोटे पॉकेट, चलो दिवाली की डेकोरेशन करते हैं। पॉकेट वो फ्लावर्स पकड़ा दे प्लीज। सिम्बा तू तो मेरी हेल्प कर दे, दोनों काम चोर हैं एक नंबर के। आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा गिफ्ट्स देने हैं, जरा लिस्ट बना दो। ठीक है मम्मी। पहले लिखो पम्मी आंटी, गोगी आंटी, ओके, लाली आंटी, उषा आंटी का नाम लिखना मत भूलना, वरना मुझे ताने मारेगी। ठीक है मम्मी। मम्मी मैंने आपकी लिस्ट बना दी है, मैं बेड के ऊपर रख रहा हूँ, आप बाद में आकर ले लेना, मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। हाँ
चल पॉकेट घूमने चलते हैं। पॉकेट, सिम्बा अभी हमारे साथ घूमने नहीं जा सकता, वो अभी छोटा है ना, तो उसके लिए बाहर जाना सेफ नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तब उसे घुमाने ले जाएंगे। अब तू चल। मिठाइयां पड़ोस में देकर आ जाती हूँ। हे भगवान, ये सब किसने किया? लड्डू खाकर बताओ कैसा है, मैंने बनाया है। ठीक है मम्मी। मम्मी, आपने तो लड्डू दिया नहीं मुझे। बेटा दिया तो है, कटोरे में रखा है। हाँ, तो फिर लड्डू कहाँ चला गया? आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तुमने लिस्ट बनाई थी, वो कहाँ चली गई? मम्मी, मैंने तो लिस्ट बनाकर बेड पे ही रखी थी, आपने उठाई नहीं थी क्या? नहीं तो बेटा, जब मैं तुम्हारे रूम में आई तो वहाँ नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बेड पर ही रखकर गया था। और बेटा, अगर तुम्हें मिठाई खानी है तो मुझसे कहो, चुरा क्यों रहे हो? मम्मी, मैं मिठाई ऐसे क्यों खाऊंगा? अगर मुझे खानी होगी तो मैं आपको पूछकर भी तो खा सकता हूँ ना। मम्मी, मैंने कोई मिठाई नहीं चुराई। तो मिठाइयाँ जा कहाँ रही है? चलो रेडी हो जाओ, गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है मम्मी। मिठाई के डब्बे गायब हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी को शक हो रहा है कि वो सारी मिठाइयां मैं चुरा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो इन दोनों में से कोई एक है जो कि एकदम सावधानी से वो मिठाइयां चुरा रहा है। लेकिन वो इन दोनों में से कौन है, मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। लड्डू, यानी कि उस चोर ने वापिस से मिठाई चुराई है। ओह नो। पॉकेट उर्फ मिठाई चोर, इतने दिनों से तू ही मिठाई चुरा रहा था ना? पॉकेट, अब तेरी पोल खुल चुकी है, अब तू सिम्बा को देखना बंद कर, क्योंकि सिम्बा ये सब कुछ नहीं कर सकता, वो अभी छोटा है ना। पॉकेट, तू क्या कोई भी डॉग मिठाई नहीं खा सकता? क्योंकि डॉग के लिए मिठाई खाना सेफ नहीं होता। मैं मम्मी से बोलकर तेरे लिए स्पेशल डिश बनवा दूंगा, ठीक है? चल अब मिठाई वापिस कर। बस अब और मिठाई नहीं। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, मैया जय लक्ष्मी माता।
आशु बेटा जाओ जाकर दिया लगा दो। हाँ मम्मी। मम्मी मैं पटाखे जलाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी पॉकेट और सिम्बा कहाँ हैं? बेटा शायद बालकनी में से दिवाली के नजारे देख रहे होंगे। अच्छा मम्मी शायद पॉकेट और सिम्बा पटाखों के शोर की वजह से डर रहे हैं। हम सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं। ठीक है बेटा जल्दी। हाँ। करो। पॉकेट बाहर आजा। मैंने खिड़कियां लगा दी है ना, अब पटाखों का साउंड नहीं आ रहा है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आजा पॉकेट। सिम्बा बाहर आजा। सिम्बा अब ठीक है ना? अब पटाखों का साउंड नहीं आ रहा है। विंडोज लगा दी है। आज के बाद मैं तेज आवाज करने वाले पटाखे कभी नहीं जलाऊंगा, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ होती है। अगर जलाने होंगे तो नॉइस फ्री बिना आवाज वाले पटाखे जलाऊंगा। हाँ बेटा ये लो म्यूजिक लगा दो ताकि पटाखे का शोर कम हो जाए। हाँ मम्मी। हमारे पेट्स हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। दिवाली रोशनी और खुशियों का त्यौहार है, लेकिन यही त्यौहार हमारे पेट्स के लिए मुसीबत बन जाता है सिर्फ पटाखों के शोर की वजह से। ये दिवाली पेट्स फ्रेंडली दिवाली मनाएं, अपनी खुशियों में अपने पेट्स को भी शामिल करें। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। गाइस इस हफ्ते के डीएम ऑफ द वीक हैं हरीश, अपराजिता, श्रुति और निमिषा की तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस हमें इतने सारे डीएम्स भेजने के लिए। अगर आप भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @mohakmeet और आप वहां मुझे भेजें डीएम। बेस्ट डीएम को हम फीचर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। हाय गाइस विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 12 PM क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे। याद रखना तो फटाफट से मोहकमीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको हमारे क्यूट से न्यू पॉकेट को मिलकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकमीत।